पीसीबी में बड़ा रद्दबदल, चीफ सिलेक्टर और हेड कोच का नाम सामने आ गया और बॉलिंग कोच का नाम भी सामने आ गया। कौन बनेगा चीफ सिलेक्टर, हेड कोच और बॉलिंग कोच? और मोहम्मद आमिर के वाले से नवी खबर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी की जानिब से एक भयानक और अजीबोगरीब खबर सामने आई है कि हारून रशीद को चीफ सिलेक्टर का ओहदा दे दिया गया। ये कैसा पाकिस्तान का निज़ाम है कि 70 साल हारून रशीद को चीफ सिलेक्टर बना दिया गया, हालांकि वो क्रिकेट को इतनी जानते भी नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट मुख्तलिफ है। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद को पाकिस्तान ने शामिल कर लिया। इसके बाद जो बड़ी अच्छी खबर है, चलो ये तो अच्छी खबर है कि मिकी आर्थर ने हेड कोच के लिए मान गए हैं। और पीसीबी की जाने से बताना कि 80 से 90% पीसीबी ने मुतमिन कर लिया है हेड कोच मिकी आर्थर को, अब वो पाकिस्तान के हेड कोच बनने जा रहे हैं। ये तो कुछ अच्छी खबर है क्योंकि ये बेहतरीन कोच है। इसके बाद मोहम्मद आसिफ को बॉलिंग कोच बनाने का ओहदा दिया जा सकता है, लेकिन अभी खबर पक्की नहीं है कि इनको दिया जाएगा कि नहीं। इसके बाद मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि पीसीबी ने, नजम सेठी ने हमेशा मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया है। उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर चाहें तो टीम में कमबैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। अब इनकी वापसी पक्की हो चुकी है, यानी इनकी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या राय है? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।